नमस्ते गुरुकुलियंस, हाउ आर यू? आई होप बेटा यू आर फिट एंड फाइन एंड यू आर स्टेइंग एट योर होम्स। इट्स वेरी गुड फॉर यू बेटा टू स्टे एट योर होम्स एंड स्टडी वेल। बेटा, इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट एरर। आई टोल्ड यू अबाउट एरर। व्हाट डू मीन बाई एरर? व्हाट आर देयर कॉजेज? हाउ मेनी टाइप्स एरर हैज एंड सो ऑन। ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट बेटा वी विल डिस्कस अबाउट रैंडम एरर। वी विल डिस्कस अबाउट रैंडम एरर, आई टोल्ड यू अबाउट। एंड रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अ मेजरमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके बेटा, नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट एरर। ओके बेटा, एब्सोल्यूट एरर। बेटा एब्सोल्यूट एरर, बेटा आई विल डिस्कस नाउ अबाउट रैंडम एरर। बेटा लिसन, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मैं ये कह सकता हूँ एब्सोल्यूट रैंडम एरर, ये भी ठीक है बात, क्योंकि मैंने सिर्फ रैंडम एरर पढ़ना है। दिस इज एब्सोल्यूट रैंडम एरर। मैं रैंडम एरर के बारे में पढ़ रहा हूँ कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैंडम एरर। मैं उसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैंडम एरर। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। बेटा सपोज एनी फिजिकल क्वांटिटी is A. A is any physical quantity and you are measuring it. You measure it about 10 times. At first value of the physical quantity is A1, on the second time value of physical quantity is A2, on third time value of physical quantity is A3, and on nth time value of physical quantity is suppose An. Okay. Today I told you when you will go close to actual value by taking the average of them. I told you. ओके, नाउ बेटा लिसन, एब्सोल्यूट एरर में आपने लिखना क्या है? ओके, अभी आपने कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस आपने सिर्फ, अभी मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर बताया नहीं है क्या होता है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर में लिखना आपने क्या है कि कंसीडर A1, A2, An आर वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिटी टेकन एन टाइम्स। और बिल्कुल एक्यूरेट कौन सी है हमें नहीं पता, तो एक्यूरेट के पास जाने के लिए, एक्यूरेट मानने के लिए हमने इनका एवरेज लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो ए मीन बेटा कितना हो जाएगा? ए मीन, सबका ए मीन कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस An अपॉन n। ये जो ए मीन आया ना बेटा, ये मोस्ट प्रोबेबली क्लोज वैल्यू क्लोज होगा किसके? एक्चुअल वैल्यू की। मोस्ट प्रोबेबली ये जो वैल्यू होगी ना, जो ये वैल्यू आएगी वो मेरी मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेट वैल्यू आएगी, जो कि एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज होगी, क्योंकि ये सबसे मिलके बनी है, सारी ऑब्जर्वेशन से मिलके बनी है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो मेरी वेरी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू आएगी, और मैं इसको अपनी एक्चुअल वैल्यू ही मान के चलूंगा इस टॉपिक में। और मैं क्या कर सकता हूं? और मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे इसको एक्चुअल मानना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज ए मीन इज ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मुझे बेटा इसको ट्रू वैल्यू मानना पड़ेगा, और मैं कर भी क्या सकता हूं? दिस इज द ट्रू वैल्यू। नाउ बेटा एब्सोल्यूट एरर्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स, बेटा एब्सोल्यूट एरर पता क्या है? एरर क्या होता है आपको पता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू आपने क्या मान लिया? ए मीन। नाउ बेटा टेल मी, ए मीन इज द ट्रू वैल्यू, तो बताइए पहली बार आपका एब्सोल्यूट एरर कितना आया था? जब आपने वैल्यू कितनी मेजर की थी बेटा? A1 आपकी ऑब्जर्व वैल्यू थी, लेकिन ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है? ए मीन। तो पहली बार एब्सोल्यूट एरर कितना आया था आपका? तो आपको सिर्फ ये लिखना है, एब्सोल्यूट एरर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, वो आपने पहले लिखा होगा, एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट टाइम ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, दिस इज द, और एंड इट इज कॉल्ड डेल्टा A1। दिस इज कॉल्ड बेटा डेल्टा A1।
Now, absolute error for second time. डेल्टा ए एन. नो बेटा एब्सोल्यूट एरर फॉर थर्ड टाइम ए थ्री फॉर एंथ टाइम लिखें एंथ टाइम सॉरी इट इज ए टू दिस इज ए टू. सो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर एंड एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट का मतलब बेटा यही है. एब्सोल्यूट मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसको ट्रू वैल्यू मान लिया और इसको इससे मैं ट्रू वैल्यू मान के मैंने एरर निकाल लिया, तो एक स्पेसिफिक नेम मैंने इसको दे दिया एब्सोल्यूट एरर. एंड एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट टाइम इज दिस, फॉर सेकंड टाइम इज दिस, फॉर एंथ टाइम दिस इज दिस. सो हाउ मैनी एब्सोल्यूट एरर्स आर देयर, कितने एब्सोल्यूट एरर होंगे, जितनी बार मैंने मेजरमेंट की है हर बार मेरा एरर है ना, क्योंकि हर वैल्यू जो होगी वो इससे क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट हो सकती है. तो बेटा हर बार आपका जो एरर होगा दीज आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर्स. और कोई आपको अगर कहे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, देन यू विल से दैट एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, एंड ट्रू वैल्यू इज टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. ओके क्लियर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट एरर. ओके फाइनल. ना बेटा सपोज कीजिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड सम ऑफ देम वन स्टूडेंट हैज टेकन 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स, वन हैज टेकन 31 आउट ऑफ 50 मार्क्स, वन हैज टेकन 37 आउट ऑफ 50 मार्क्स. देन बेटा बट आई हैव टू नो ओनली वन नंबर द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लास. वट विल आई डू, आई विल फाइंड द एवरेज, कि इस क्लास का जो एवरेज है ना बच्चे का जो नंबर लेने का एवरेज है वो 50 में से 37 है. तो 37 एक ऐसा नंबर होगा जो पूरी क्लास को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. उसका जो एवरेज लूँगा तो 37 कैसा नंबर होगा जो पूरी क्लास को बेटा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. ओके 37 एक ऐसा नंबर होगा विच विल रिप्रेजेंट द होल क्लास. नाउ देर आर मैनी एरर्स, लेकिन आई विल फाइंड ओनली वन एरर विच विल रिप्रेजेंट द होल मेजरमेंट. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट पॉइंट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर तो मैं क्या करूँगा बेटा, सबका मीन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एरर बहुत सारे आ गए लेकिन मुझे एक ही नंबर चाहिए एरर, बस एक ही एरर चाहिए. इतने एरर मैं क्या करूँगा, मुझे एक मेजरमेंट में एक एरर चाहिए कि कितना एवरेज आ रहा है, एवरेज कितना एरर आ रहा है, मीन कितना एवरेज आ रहा है. तो इन सबका एवरेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर. फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, मीन आ गया इसका, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके लिसन नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज एब्सोल्यूट एरर. नाउ दिस वाज द पॉइंट ए एब्सोल्यूट एरर. नाउ सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर. लिसन बी पार्ट इज बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर. बेटा द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स is called mean absolute error. Means पहली बार आपका बेटा error कितना आया था, डेल्टा ए वन आया था ना, दूसरी बार आपका कितना आया था, डेल्टा ए टू, तीसरी बार कितना आया था बेटा आपका, डेल्टा ए थ्री, nth time आपको बेटा कितना आया, डेल्टा ए एन. सबका एवरेज कर दो, this is the mean absolute error. This is the mean absolute error. ना बेटा यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ. बेटा गौर से सुनना, यहाँ पर एक मिस्टेक है. मिस्टेक क्या है बेटा, लिसन. सपोज कीजिए मैंने कोई मेजरमेंट चार बार की, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, फोर. मैंने कोई मेजरमेंट बेटा कितनी बार की, चार बार की. एक्चुअल वैल्यू है सिक्स मान लेते हैं,
जो मैंने एवरेज करके निकाली थी, मेन वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा, मान लेते हैं 6। तो एक बार तो आपकी वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू इज सपोज 6, फर्स्ट टाइम आपकी वैल्यू आई 5.8, सेकेंड टाइम आपकी वैल्यू कितनी आई 6.2। ओके, पहली बार बेटा कितनी आई 5.8, सेकेंड टाइम बेटा हाउ मच इट वाज 6.2, थर्ड टाइम इट वाज 5.9 एंड फोर्थ टाइम इट वाज 6.1। बेटा मेरी बात का जवाब दीजिए, तो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा, डेल्टा A1 ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2। ओके, डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस दिस माइनस 0.2। ऐसे A3 क्या हो जाएगा 0.1, A4 क्या हो जाएगा माइनस 0.1, जो सारे कट जाएंगे आंसर कितना आ जाएगा 0। क्या मेरा कोई एरर नहीं हुआ कभी भी, मेरे एरर तो हुए हैं ना, तो लेकिन आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। क्लियर है ना, लिसन बेटा बताइए डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी है, रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू 0.2 सॉरी। ऐसे इसका देखोगे माइनस 0.2, इसका आएगा 0.1, ये माइनस 0.1। तो एक तो हुआ प्लस 0.2 माइनस 0.2 प्लस 0.1 माइनस 0.1, ये तो सारा कट के आंसर 0 आ गया। लेकिन मैंने गलतियां तो मैंने बेटा गलतियां तो मैंने चारों बार की हैं, लेकिन मेरी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर 0 कैसे आ सकता है। मींस ये हुआ कि बेटा इसमें मिस्टेक कितनी थी 0.2, इसमें कितनी थी माइनस 0.2, माइनस नहीं लेना है अपने, ऐसे तो सारे कट जाएंगे, तो यू हैव टू टेक देयर मोड्स। बेटा दिस इज द सिंबल, इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है ना उसको हम प्लस मान लेंगे। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर, 0.2 एक तरह माइनस 0.2, लेकिन वी विल टेक इट एज 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 एंड 0.1 0.5 0.1 0.6 हम सबको पॉजिटिव लेंगे 0.6/4 0.6/4 इट विल बी 0.15 इट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो वी हैव टू टेक द मोड इन दिस वे, देन यू हैव टू राइट द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं द मीन ऑफ ऑल मोड्स ऑफ मोडल्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर्स, हम उसको प्लस ले लेंगे, जितने भी माइनस हैं हम उनको प्लस ले लेंगे, अगर हम ऐसे माइनस लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके बेटा, नाउ बेटा टेल मी आपका जो रिजल्ट आया था, अच्छा बेटा एक बात बताइए, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ, मैनी नंबर्स आर इन एडिशन सो इन समेशन वी कैन राइट आई फ्रॉम 1 to n, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ए आई अपॉन एन, इन शॉर्टकट इट फॉर समेशन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन एन, नो प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली, दिस इज द फॉर्म ऑफ द समेशन, दिस इज डेल्टा ए मेन। क्लियर बेटा, ना बेटा टू थिंग टेल मी व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू वाज ए मीन, दिस इज द ट्रू वैल्यू, एंड व्हाट इज द सिंगल एरर, अब ये आपके पास सिंगल एरर आ गया, ये सिंगल एरर सबका एवरेज निकालिए, आपने सिंगल एरर आ गया ना, तो अब फाइनल रिजल्ट को पता कैसे लिखोगे आप, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, दिस प्लस माइनस डेल्टा After writing this, only you have to write final result of measurement. It will be is equal to a mean plus minus mean absolute error. कि actual value में से ये error जो हमने लिया है, जो हमारा एक error आया है, so many errors, the average of so many errors, हमने जो एक error उठा लिया, average ले लिया सबका, तो actual value में ये plus भी हो सकता है और actual value में ये minus भी हो सकता है. So this is the representation of the फाइनल रिजल्ट, हम इस तरह से फाइनल रिजल्ट को लिख देंगे. ओके बेटा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट. क्लियर बेटा, दिस इज ओके फाइनल.
ना बेटा, आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये बात गौर से सुना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, ये बात आपको लिखनी नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आप कोई भी मेजरमेंट लोगे, आपने बेटा कोई भी मेजरमेंट ली, आप ये मान के चलोगे कि उसकी जो वैल्यू आएगी ना मेजरमेंट की, वो देखो मेरी बात सुनो, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, तो मेजरमेंट में जो क्वांटिटी आएगी ना वो पता क्या होगी बेटा, बताना। आपने कहा या तो फाइनल रिजल्ट ये हो सकता है ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, या फाइनल रिजल्ट ये हो सकता है दिस माइनस दिस, तो दोनों में से छोटा कौन सा हुआ नंबर, माइनस वाला हुआ ना, बड़ा कौन हुआ, प्लस वाला हुआ। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एनी मेजरमेंट, फॉर एनी मेजरमेंट वैल्यू कितनी होगी बताओ, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बेटा इट विल बी ग्रेटर देन ए मीन माइनस डेल्टा ए एंड लेस देन इफ यू टेक एनी वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देन इट विल लाई बिटवीन देम, इट विल लाई बिटवीन देम एज वी कंसिडर, बिकॉज हमने बेटा इट इज टेकन एज द रियल वैल्यू एंड इट इज टेक एज द सिंगल एरर, ये एरर हो सकता है। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल एनी वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल लाई बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, बिकॉज ए माइनस दिस इज स्मॉलर नंबर एंड दिस इज द लार्जर नंबर, सो एनी वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल लाई बिटवीन दिस टू। तो बेटा मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ना आज के बाद ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा इस तरह से, ये आपको इसको ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को बस ऐसे लिखना है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें कितना एरर आ रहा है, ओके फाइनल दिस इज द। नाउ बेटा नेक्स्ट, दिस इज द बी पार्ट, दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज फाइनल रिजल्ट आफ्टर बी पॉइंट दिस इज, एंड यू दिस यू हैड यू डोंट यू हैव यू नीड नॉट टू राइट ओके ओनली दिस। और इसमें क्या है, आपको कोई फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है बेटा, रियल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, कि इतना एरर उसमें हो सकता है रियल वैल्यू में, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ओके। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज, सी पॉइंट इज रिलेटिव एरर। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एरर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिसन, रिलेटिव एरर, बेटा लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एरर। बेटा रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर बेटा लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एरर, इट इज द रेशियो ऑफ, अभी देखिए बेटा आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी, ट्रू वैल्यू ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर आपका कितना आया बेटा, ये आया इन दोनों का, इसका जो इसका इसके साथ जो रेशो है, तो आप ये लिखेंगे रिलेटिव एरर में रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। सो हाउ विल यू राइट इट, रिलेटिव एरर टेल मी, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू टेल मी डेल्टा ए अपॉन ए, इट इज द रेशो डेल्टा ए अपॉन ए, दिस इज द रिलेटिव एरर, ओके डेल्टा ए अपॉन ए इज द रेशो ऑफ मीन। देखो बेटा मैंने क्या कहा था, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू ऑफ इट, और मैंने इतने सारे एरर्स को एक बना दिया था डेल्टा, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके दिस इज डेल्टा, इसको ऐसे दिस द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिलेटिव एरर इन ए। नाउ बेटा डी पॉइंट परसेंटेज एरर
बेटा व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज एरर? बेटा परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके तो जो आपका नंबर आएगा वो परसेंटेज एरर हो जाएगा, ओके सीधा डायरेक्ट आपको ये लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिस इज द ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, कंसीडर ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज 5 units, बट यू मेजर द वैल्यू एज 5.1 unit, देन टेल मी बेटा हाउ मच इज द एरर 0.1, ओके 0.1, देन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एरर 0.1 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। और ये बेटा मैंने आपको ये कुछ इसको मैंने ये क्यों कहा कि इनका रेशो होता है बेटा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं, मैंने सबका एवरेज ले लिया सभी एरर्स का, तो एक पूरी मेजरमेंट का सिंगल एरर है मेरे पास ये, और ये क्या है एक्चुअल वैल्यू है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ओके बेटा फाइनल। और मैंने आपको कहा बेटा एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5 units एंड मेजर वैल्यू इज 5.1 unit, ये तो मैंने एक ही ऑब्जर्वेशन लिया ना, अगर मैं बहुत सारी लूँगा तो सबका एवरेज कर लूँगा, फिर मैं एवरेज करने के बाद जैसे इसमें एरर कितना है -0.1, किसी और में कितना आएगा 0.2, किसी और में कितना आएगा 0.3, सबका एवरेज ले लूँगा, मुझे सबको एक में कन्वर्ट करना है, ओके दिस इज द परसेंटेज एरर, दिस इज वेरी इजी टॉपिक बेटा, लिसन ना बेटा, नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बेटा, लिसन अबाउट इट, न्यूमेरिकल इज देयर बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक, दिस इज वेरी सिंपल, when you will study this numerical, when you will see this numerical, then you will learn more about this beta. Listen how. Beta, listen. The length of a road measured many times. एक road है, उसकी length कई बार मापी गई, और हर बार उसका answer क्या आया listen? पहली बार उसका आंसर आया A1 आया, पहली बार 2.48 मीटर, सेकंड टाइम स्टेटमेंट में एक बार बोल रहा हूं, द लेंथ ऑफ अ रोड मेजर्ड मैनी टाइम्स एज 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.50 मीटर, 2.51 मीटर, 2.52 मीटर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड फाइनल रिजल्ट। लिसन बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट टाइम वैल्यू इज दिस, सेकंड टाइम वैल्यू इज दिस, थर्ड टाइम वैल्यू इज दिस, फोर्थ टाइम वैल्यू इज, फिफ्थ टाइम वैल्यू इज, ना बेटा टेल मी, तो ये कह रहा है कि अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो मैं क्या करता हूँ सबका एवरेज निकाल लेता हूँ, तो वो उसको फिर मैं क्या ट्रीट करता हूँ, ट्रू वैल्यू उसको मैं ट्रीट करता हूँ। नाउ लिसन बेटा, व्हाट विल बी ट्रू वैल्यू, टेक एवरेज ऑफ देम, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 5 वैल्यूज आर देयर, एड ऑल 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.50 प्लस 2.51 प्लस 2.52 अपॉन 5, क्लियर, अपॉन इट विल बी 5 बेटा, वाई व्हेन आई विल ऐड देम व्हाट विल बी द आंसर, व्हेन आई विल ऐड देम व्हाट विल बी द आंसर, लिसन 3, 9, 7, 17, 1, 5, 10, 15, 19, 23, 24, 2, 12 अपॉन इट विल बी 5, देन इट विल बी कम आउट टू बी 5 1 5 point sorry 5 2 10 24 is there 5 4 20 5 9 45, this will be the answer, okay 5 2 10 5 4 20
5 9 जा 45, ओके, एंड 5 4 जा 20, ओके. नाउ दिस इज द, लिसन, दिस इज टेकन एज अ ट्रू वैल्यू, दिस इज टेकन एज अ ट्रू वैल्यू, क्लियर. नाउ बेटा लिसन, व्हाट विल बी द, क्या था क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर्स, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर्स. बेटा पहली बार एब्सोल्यूट एरर कितना आया था, डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए वन, ए मीन इज 2.494 माइनस ए वन, ओके, यू विल इजिली कैलकुलेट इट, इट विल बी डेल्टा ए वन. पहली बार एरर ही आया था, मेरे पास एब्सोल्यूट एरर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन सबका एवरेज करूंगा ना, वो मीन एब्सोल्यूट एरर मेरे पास एक ही होगा, और वो पूरे रिजल्ट से मेरे साथ चलेगा, ठीक है. सो दिस इज द, देन इट विल कम आउट टू बी, लिसन, इट विल बी 0.014 मीटर, ओके, फाइनल. सिमिलरली फाइंड ए टू, ए मीन माइनस ए टू, मीन्स ए मीन इज यू नो दिस, दिस माइनस ए टू, ओके, इट विल बी देयर ए टू, डेल्टा ए टू, डेल्टा टू मीन्स इट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके. बेटा डेल्टा का पता क्या मतलब होता है, चेंज, कि कितना चेंज हुआ, फाइनल वैल्यू जो है वो रियल से कितना दूर है, कितनी कितना डिफरेंस है दोनों में, दिस इज फॉर डेल्टा. नाउ बेटा व्हाट विल बी एब्सोल्यूट एरर फॉर थर्ड टाइम, ए मीन माइनस ए थ्री, सिमिलरली ए मीन माइनस ए फोर, ए मीन माइनस ए फाइव, बेटा, ओके. नाउ दिस ऑल विल बी द, दिस ऑल विल बी द, बेटा टेल मी, दिस ऑल विल बी द एब्सोल्यूट एरर्स, ओके. सेकेंड टाइम इट विल बी, लिसन, 2.494 माइनस 2.46, इट विल कम आउट टू बी, लिसन, इट विल कम आउट टू बी 0.034 मीटर. इन दिस वे मैनी वैल्यूज, फाइव वैल्यूज यू विल गेट, दिस ऑल आर द एब्सोल्यूट एरर्स, क्लियर बेटा. ना बेटा लिसन, एक तो पूछा था आपसे फाइंड एब्सोल्यूट एरर्स, ये सभी एब्सोल्यूट एरर्स हो जाएंगे, कितने होंगे एब्सोल्यूट एरर्स, फाइव, फाइव आपने मेजरमेंट की, पांच बार के आगे आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गया. नाउ बेटा व्हाट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट पार्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो बेटा इतने सारे एरर थोड़ी चाहिए, मुझे तो एक ही एरर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी एरर्स का एवरेज निकाल लूंगा. लेकिन याद रहे, जिसके साथ मान लेते माइनस साइन आ गया ना, आपने वो माइनस नहीं लिखना, उसको एज प्लस ट्रीट करना है, जैसे मैंने को ये बात थोड़ी देर पहले बताई थी, ओके. सो एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, आ जाएगा, ओके. तो आपकी एक्चुअल वैल्यू बेटा कितनी आई थी, आपकी एक्चुअल वैल्यू 2.494, और इन सब का एवरेज मान लेते हैं, इन सब का जो एवरेज आएगा वो आएगा 0.27, सपोज बेटा देयर एवरेज जो पांच वैल्यूज का एवरेज आएगा 0.027, आ गया, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. बेटा तो मुझे एक बात बताइए, तो आप फाइनल रिजल्ट को कैसे लिखोगे, एक्चुअल वैल्यू कैसे लिखते हो, फाइनल रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर. अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपकी, 2.494 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस विल बी द बेटा फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ना. देन ही आस्क व्हाट इज द रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू. अब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, दिस इज द, एंड ट्रू वैल्यू इज दिस, इज दिस डिवाइड बाय दिस विल बी कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर. एंड व्हाट विल बी परसेंटेज एरर, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, इट विल बी द परसेंटेज एरर, ओके बेटा. नाउ बेटा आई विल गिव यू एन असाइनमेंट इन विच आई विल गिव यू अबाउट 20 क्वेश्चंस, ओके, एंड यू हैव टू सॉल्व देम, ओके, आफ्टर दिस आई विल गिव यू, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज आई हैव जॉइंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके बेटा. सो दिस इज वेरी इजी बेटा.
Now, beta, this small topic was there. This has finished now. Now, beta, next topic I want to discuss to you. Next topic is there. Listen, what is the next topic? Listen, but the next topic is combination of errors. Combination of errors. But listen, combination of errors. But a combination means, suppose a physical quantity is represented by, suppose, जैसे आपको पता है what is the beta perimeter of rectangle, you say that 2 into l plus b, ऐसे कहते हो perimeter of rectangle, कहते हो ना ऐसे, what is the perimeter of square, you say that 4a, ऐसे बोलते हो. तो अगर मैं किसी physical quantity को ऐसे लिखता हूँ, x is equal to a plus b, या मैं लिखता हूँ x is equal to a minus b, या मैं लिखता हूँ x is equal to a into b, या लिखता हूँ x is equal to a by b, कुछ भी. तो बेटा अगर मैं आपको कहूँ a में एरर है प्लस माइनस डेल्टा a, इसमें भी कुछ एरर होगा, इसमें भी कुछ एरर होगा, तो बताइए इसमें कितना एरर होगा. मैं आपको इन दोनों में एरर दे दूंगा कितना है, तो आपने बताना है कि इसमें कितना एरर आएगा. ओके, यू हैव टू टेल हाउ मच एरर विल बी देयर. क्लियर? अब मेरी बात बेटा गौर से सुना. देर आर फोर फंक्शन वी विल डिस्कस अबाउट, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्लस. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यू विल राइट हेयर फर्स्ट पार्ट एरर इन एडिशन. एरर इन एडिशन. बेटा लिसन, सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चे. अगर मैं आपको एक बात कहूँ, सपोज x इज इक्वल टू ए प्लस बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आपको ये दे दिया गया जो a में एरर है ना, कौन सा एरर? मैंने आपको कहा था बहुत सारे एरर को एक ही फॉर्म में लिखना है. कौन सा एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर. a में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा a. डेल्टा मीन्स चेंज, थोड़ा चेंज हो गया ना एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से थोड़ा चेंज मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ए में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? प्लस माइनस डेल्टा ए. बी में कितना चेंज हुआ? प्लस माइनस डेल्टा बी. तो बताइए एक्स में कितना चेंज होगा? लेकिन एक बात याद रखें बेटा, एक्स में जो चेंज होगा ना, चेंज होगा वो आपने इनमें जो चेंज हुआ ए और बी में उसकी फॉर्म में लिखना है. मीन्स If mean absolute error in A is plus minus delta A, if mean absolute error in B is plus minus delta B, then you have to find the mean absolute error in X in terms of plus minus delta A and plus minus delta B. Okay, इनकी टर्म में लिखना. मैं आपको बताता हूँ कैसे. Listen. So this is the X is equal to A plus B. Suppose this is the physical quantity X which depends on A and B in this way. Suppose. Okay. फाइन. आप कहेंगे कैसे? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट रेजिस्टेंस इन सीरीज इन टेंथ क्लास, आर एस इज गो टू आर वन प्लस आर टू. ओके, सो एक्स इज गो टू ए प्लस बी. ओके, नाउ लिसन बेटा, सपोज प्लस माइनस डेल्टा ए इज मीन एब्सोल्यूट एरर हेयर, प्लस माइनस डेल्टा बी इज मीन एब्सोल्यूट एरर हेयर. ये आपको बात लिख लेनी है. ओके, नाउ आप इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखोगे? प्रॉपर फॉर्म में, इन प्रॉपर फॉर्म हाउ विल यू राइट इट? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, टेल मी, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b. क्लियर है बेटा? हमारा क्लियर है. ओके, ना बेटा सिंपली इसको थोड़ा आगे भी चेक कीजिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए. इट विल बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इट विल बी, टेल मी, इट विल बी ए प्लस बी
ए प्लस बी, बेटा गौर से सुनिएगा बात, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ यू नो एक्स वाज इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स वाज इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट विल बी कैंसल, इट विल बी कैंसल। बेटा अब मेरी एक बात गौर से सुनिए, गौर से बेटा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपके पास चार केस बनेंगे, चार केस कौन से बनेंगे, चार केस देखो आठ केस बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। एक बार इसको प्लस लेके चलो, प्लस लेके तो ये क्या बन जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। इसमें इसको प्लस लेके चलो, इसको माइनस, फिर इसको प्लस, इसको प्लस, फिर इसको माइनस, इसको प्लस, फिर इसको माइनस, इसको माइनस, ये चार केस हो गए। जब इसको प्लस लेके चला तो इसके चार केस हो गए, ऐसे जब इसको माइनस लेके चलूंगा तो भी इसके चार केस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको प्लस लेके चला तो इसके चार केस कौन कौन से होंगे, टेल मी। फर्स्ट इज दोनों को प्लस ले लें, फिर दोनों को इसको माइनस ले लें, इसको प्लस ले लें, फिर इन दिस वे एंड लास्ट इन दिस वे, ओके। सो बट वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट मैक्सिमम एरर। अरे हम कभी भी बात करते हैं मैक्सिमम की तो बात करते हैं कि हमारी मेजरमेंट में एरर ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम की बात करते हैं ना। बट मैक्सिमम एरर्स इन दीज फोर आर आइदर दिस और दिस, ओके। सो हेयर इफ माइनस इज टेकन कॉमन देन इट विल बी माइनस आउटसाइड प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो एरर विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके। और ब्रैकेट में आपने ये लिखना है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। बेटा हम मैक्सिमम की तो बात करते हैं ना कि मेरी इस मेजरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितना जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये चार केस तो हो गए, अगले चार केस बताइए। नाउ टेक इट एज माइनस साइन, अगेन देर विल बी फोर केसेस, 1 2 3 4, माइनस विल बी टेकन टू ऑन दैट साइड, तो वही चार द्वारा आपके पास आ जाएंगे। कैसे बेटा, लिसन, अभी आपने इसको प्लस लिया, इसके चार केस आपने किए 1 2 3 4, सेकेंड टाइम वैल्यू यू विल टेक नेगेटिव हेयर, अगेन दीज फोर केसेज आर देयर। तो बेटा गो व्हेन नेगेटिव गोज देयर देन दिस वन इट विल बी बोथ माइनस एज दिस, इट विल बी प्लस, इट विल बी माइनस एज दिस, सेम नंबर्स यू विल गेट, सेम नंबर्स, तो उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देन मैक्सिमम एरर्स आर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और मैं हमेशा बेटा किसकी बात करता हूँ, मैक्सिमम एरर की ही बात करता हूँ कि मेरा मैक्सिमम एरर कितना आना चाहिए। ऐसे तो एरर कितना भी आ सकता है बट वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैक्सिमम एरर्स, ओके। Now listen, this is the delta x is equal to plus minus delta a plus delta b, okay. Now this is the error in x. Now listen, the error in x, the mean absolute error in x is in the form of mean absolute error in a and mean absolute error in b. Iski form mein aana chahiye. So mean absolute error in x must be in the form of mean absolute error in a and mean absolute error in b. Clear? Now this is error in x. Okay, now what will be the relative error? Tell me, you all know relative error is delta x by x. I have told you it is the ratio of mean absolute error to the true value. Now listen, beta. What is the error? Plus minus upon x. What is x? A plus b. So beta, this is error and but this is the relative error. This is the relative error. But what will be percentage error? Multiply it by 100, it will be the percentage error. Clear beta? Now, okay beta, this has finished beta. Now beta, in the next video, I will tell you about the numericals of errors in addition. And moreover, I will give you assignment of 20 numericals of absolute errors, etc. beta. Okay beta, if any problem you face, then you can ask me in WhatsApp group as I have joined you. Thank you beta very much.